हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों आज इनके एग्ज़ाम था, 16 जुलाई यहां पे थी और एग्ज़ाम दोस्तों कम्प्लीटली हो चुका है। सारा जो आपको रिव्यू यहां पे डिस्कस करने वाले हैं और देखिए भाई ने कुछ जो फोटो यहां पे अपने स्टेटस पे लगा रखे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने अपना व्यू भी यहां पे दोस्तों जो कि सेट किया है तो आप देख सकते हैं व्यू के रिगार्डिंग जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार का व्यू है। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जो कि इस प्रकार से बोल कि सर ये रिव्यू नहीं है, तो आज मैं आपको दोस्तों उसी रिव्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 16 जुलाई का आज फुल आपको रिव्यू दोस्तों देने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा क्योंकि हंगामा भाई ऐसा हुआ कि जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे ही पोस्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको मैं कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। और जिन कैंडिडेट का आगे एग्ज़ाम है आपके जैसे दोस्तों 17-18 आगे जो भी इनका भी एग्ज़ाम है, क्या सभी क्वेश्चन पोस्ट रिलेटेड ही आएंगे या फिर दोस्तों कोई आपके सिलेबस रिगार्डिंग आएगा, तो सारी अपडेट दोस्तों आपको करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो भाई कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो भाई सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई। हर अपडेट आपको एफओएस ग्रुप सी की रिगार्डिंग देते ही है ना, और एसएससी जीडी की भाई कंप्लीट जानकारी आपको मैंने बताई थी। लेकिन वीडियो में दोस्तों आपके कुछ डाउट थे उसको लेकर हम आएंगे। एसएससी जीडी की भाई बड़ी भर्ती आ चुकी है 25,273 पर, तो हम कंप्लीट उसका डिस्कस जो कि करने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई इसमें हम जो अपने रिव्यू को देख लेते हैं, वो टेलीग्राम पे आकर जुड़ जाओ भाई, कुछ जो पिक्स हैं वो आपको मैं सेंड कर दूंगा और जो टेलीग्राम पर जो टेस्ट सीरीज है वो लगाइए। और भाई अब आपका सवाल होगा कि सर सभी क्वेश्चन तो ट्रेड रिलेटेड ही आ रहे हैं तो हम टेस्ट सीरीज की क्या हो सकता है, तो मेरे भाई आप वीडियो को कंप्लीट देख के सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ये जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं वो 18 जुलाई को आपका दोस्तों यहाँ पे इसकी आंसर किया जाएगी। जितना भी रिव्यू है ना वो सब कुछ आपको बता दिया जा रहा है। और देखिए कुछ वीडियो थे मैं रीफॉरवर्ड करने वाला था तो भाई अब रिपोर्ट करूँगा क्योंकि जो दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिला था, काम जो लग गए थे यहाँ पर। अब चलते हैं दोस्तों आपके रिव्यू की ओर। तो दोस्तों जब इन्होंने जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे तो मैंने बेस्ट ऑफ लक बोल दिया था और फिर मैंने यहाँ से पूछा गया कि पेपर हो गया क्या, तो इन्होंने बोला सर पेपर तो हो गया, 10 बजे पेपर स्टार्ट हुआ था और 50 मिनट का टाइम मिला था और 25 क्वेश्चन थे और सब ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके मैथ्स रीजनिंग इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ओनली ट्रेड रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बोले 2-3 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट जो हम अपडेट कर देंगे, यानी रिजल्ट जो आपका जारी कर दिया जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर हमारे एग्ज़ाम में भी क्या, चाहे वो कैंडिडेट 257 के हो चाहे वो 1524 के हो, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि आपका जो 13 जुलाई को रिव्यू करवाया था वो भी आपका दोस्तों इसी पे था, इसी स्टेशन पे था। मैं यहाँ पे एक बार प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आपका स्टेशन था प्रयागराज वाला, तो यहाँ पर भी आपके पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपके जितने भी आगे इस स्टेशन पर अगर एग्ज़ाम होगा तो भाई चाहे आपकी कोई भी पोस्ट क्यों ना हो, यहाँ पर देखिए इनकी मेन स्टाफ से पोस्ट थी लेकिन इनके सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड ही पूछे गए थे। अब दोस्तों मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। अब आपका सवाल होगा कि सर हमारे एग्जाम जो, देखिए हर एयरपोर्ट स्टेशन पे अलग अलग जो डिपेंड करेगा, तो जितना भाई आप इतना हो सके आप सभी मुझे जो अपना अपना रिव्यू अपने अपने एग्जाम सेंटर का जरूर शेयर करना ताकि तभी ही पता चल पाएगा। ये जो एयर स्टेशन है तो भाई जिन्होंने 13 जुलाई को रिव्यू करके गए थे उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 जो मिनट मिली और 25 क्वेश्चन और ऐसा ही 13 जुलाई को देखा गया था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इस रिव्यू का बिल्कुल बेनिफिट होता है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो भाई जितना हो सके उतना, ताकि हर कैंडिडेट तक पहुंच जाए भाई ये वीडियो। और जिनके भी एग्ज़ाम आगे कंडक्ट होने वाले हैं तो भाई रिव्यू अब आप शेयर कर देना बिल्कुल इच्छुक तरीके से। दोस्तों यहाँ पर नंबर मैं मैंसन कर रहा हूँ, 7737372502 03। दोस्तों यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे आप जो सेंड कर देना इस पर, तो ये दोस्तों आपके नंबर यहाँ पे हो जाएंगे व्हाट्सअप नंबर। और जिनके भी एग्ज़ाम भाई 17-18 और देखिए 17 का कैंडिडेट जुड़ चुका है हमारे साथ, मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि कैसे कैंडिडेट यहाँ पे जो कि जुड़ चुके हैं 17 जुलाई का कैंडिडेट को, मैं आपको दिखा भी दूंगा, रिव्यू जरूर लेकर आएंगे। अब दोस्तों आपका सवाल है कि सर हमारे पोस्ट में क्या जो ये ट्रेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे क्या, तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई एयरफोर्स स्टेशन आपका डिपेंड करेगा, बट
एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा सर कि हमारे जो यहाँ पे जो सर कि हमारा जो पेपर है वो यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे हो रहा है तो अपने अपने अकॉर्डिंग पूछेंगे सर जामनगर में क्या होगा, तो भाई रिव्यू के थ्रू ही पता चलेगा। तो मैं जितना हो सके भाई रिव्यू आप देने की कोशिश करना और मैं भी आगे तक हर कैंडिडेट तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो भाई इसी से आपको बेनिफिट होने वाला है, इसके अलावा हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, रिजल्ट जो सेम डे जारी किया गया था, रिजल्ट सेम डे को ही जारी किया गया था और दोस्तों आपकी स्किल टेस्ट भी सेम डे को ही करवा ली गई। तो यहाँ पे मैं आपको स्किल टेस्ट और आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए मैंने बोला थैंक्स भाई क्वेश्चन बता दो कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे जब तक आपका रिजल्ट जो आपका रिजल्ट ना आ जाए। फिर उन्होंने बोला कि सर अभी ट्रेड टेस्ट हो रहा है, यानी अभी इनका ट्रेड टेस्ट हो रहा है, ट्रेड टेस्ट के बाद जो बता दूंगा, यानी अभी उनका जो इन्होंने जब भी मैसेज को सीन किया था तो भाई ट्रेड टेस्ट चल रहा था। ट्रेड टेस्ट का मतलब जो स्किल टेस्ट होता है ना भाई वही है आपका, कोई अलग से नहीं है। एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था, बैटर को खाना परोसते समय खाने वाले बर्तन को रखना चाहिए बंद करके खोल करके ढक करके इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, इस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पे जब हम बचपन से भाई यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, मिट्टी के बर्तनों में किसे धोना चाहिए, यानी मिट्टी के जो बर्तन है उसे किससे धोना चाहिए। मास्क को कीटाणु रहित किया जाता है, ये भी पूछा गया था यहाँ पे। और सर जैसे जैसे क्वेश्चन याद आएंगे आपको वैसे वैसे मैं भेजता जाऊँगा। अभी देखिए भाई का मैसेज आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनका मैसेज आ चुका है और भाई घर पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ बातचीत कर लेता हूँ फिर मैं आपको वीडियो कम्प्लीट दे देता हूँ। मेन स्टाफ के अंदर दोस्तों स्किल टेस्ट में क्या करवाया गया था वो भी देख लीजिए, स्किल टेस्ट के अंदर यहाँ पे मैसेज भी आ रहे हैं भाई के। और सब्जी कटवाई गई, बर्तन धुलाए गए, खाना परोसने के लिए बोला गया, प्लेट चम्मच को थाली कैसे सजाया जाता है और थाली में यही सब कुछ जो करवाया गया, सलाद कटवाया गया। तो भाई मैं स्टाफ है जिससे मैंने बोला था ना जैसा पोस्ट का नाम है ना वैसा ही स्किल टेस्ट में करवाया जाएगा, तो भाई अब यकीन हो रहा होगा ना मैंने जो बोला था वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है हर चीज़। तो भाई यकीन के साथ जुड़ जाओ आप, एफोर्स ग्रुप सी में नौकरी लेना भाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जुड़ना तो पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी जुड़ जाओ। अभी इन्होंने बोला है सर हम जो यहाँ पर रास्ते में हैं और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, उनसे मैंने पिक भी मांग ली है और घर कब तक पहुंच जाएगा, तो भाई ने 10 बजे तक। मैं स्टाफ में पीएफटी नहीं हो रहा था, अच्छा पीएफटी नहीं हो रहा है सर, अच्छा फिर एमटीएस में पीएफटी हो रहा है, एमटीएस में पीएफटी हो रहा है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, वॉचमैन में भी पीएफटी हो रहा है बट मैं स्टाफ में भी अभी पीएफटी नहीं हो रहा है, इलाहाबाद सेंटर पर और सेंटर की जानकारी नहीं है। तो ये दोस्तों इनका जो भी सेंटर था यहाँ पे, गाइज मैंने इनसे आगे पूछा, आप देखिए अभी अभी बातचीत यहाँ पे हुई है और आप देख सकते हैं भाई अभी बात की है, टोटल कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया, टोटल 60 लड़कों ने एग्ज़ाम पास किया था, लगभग दोस्तों 350 के अराउंड कैंडिडेट थे यहाँ पे, इन्होंने जो कि बताया है 310 कैंडिडेट थे और एक सीट पर 20 लड़कों को पास किया गया है, 3 सीट थी 60 लड़कों को पास किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ही बढ़ा दिए कि आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन मेरे भाई जितना भी है आपका यहाँ पे लगभग 10 गुना कैंडिडेट तो अराउंड रहेंगे, इससे ज़्यादा जो एयरपोर्ट स्टेशन पर डिपेंड करता है वो क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा वाऊ आगे बोला जो उन्होंने क्या बोला है मैंने पूछा है, तो उन्होंने बोला है एक महीने के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अच्छा स्किल में क्या क्या हुआ, सभी पास कर दिए क्या, तो उन्होंने बोला स्किल में भी भाई आउट हो रहे हैं, तो स्किल में भी कैंडिडेट को काटा जा रहा है, यानी स्किल में के अंदर भी भाई यहाँ पे जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो स्किल में जो क्या नोट किया गया, ट्रेड टेस्ट में कुछ भी बोला नहीं गया, एयरफोर्स वालों ने जिनके लड़के ट्रेड टेस्ट दिया था उनके इंडेक्स नंबर नोट किए गए थे ये बोला गया है भाई। अच्छा
और यहाँ पे क्या बोला सर, ट्रेड टेस्ट में किसी को आउट नहीं किया गया, बस जो लोग ट्रेड टेस्ट दे रहे थे एयरफोर्स वाले उनके इंडेक्स नंबर के आगे शायद कुछ लिख रहे थे। यानी दोस्तों आपको पता है, मैंने पहले भी बोला है कि पॉइंट नोट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे इन्होंने ही बोल दिया था कि सर, यहाँ पे मैंने पूछा था कि ट्रेड टेस्ट में पास कर दिए गए थे क्या सभी के सभी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी जो उसका स्पष्ट रिप्लाई आ चुका है कि जो अभी ट्रेड टेस्ट में जो कैंडिडेट को किसी को भी फेल नहीं किया गया है, ये दोस्तों यहाँ पे आपके आगे जो सर कहीं भी ऐसा ना हो धांधली। तो देखिए भाई, धांधली का तो इनके देखिए उनके एयरपोर्ट स्टेशन पे ही डिपेंड करता है सारा का सारा। अब क्या होता है भाई, मैंने तो अभी तक इसके बारे में नहीं सुना है इतना ज़्यादा, आप जानते हो तो बता देना। अंदर अपने ही कैंडिडेट पास करेंगे, तो भाई ये भी क्या बताएं यार, इसके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। यहाँ पे यूट्यूब प्राइवेसी भी थोड़ा भाई ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए आप भाई एक मतलब बोलते हैं ना कि भाई अपने कॉन्फिडेंस से जाइए और अपने आप पर विश्वास करके जाइए भाई। आपका एग्ज़ाम तो कम से कम पास हो, आपको ये सारा मौका तो देखने को मिले ना, तो ये दोस्तों आपके। तो भाई जितना भी रिव्यू था भाई ने शेयर किया, तो भाई सबसे पहले थैंक्स भाई का। और इसी प्रकार आप भी इस भाई की तरह भाई इतनी हेल्प हर लोगों की करना। 13 जुलाई का एक कैंडिडेट था भाई, अच्छे से आपकी हेल्प की, तो भाई उनको भी थैंक्स कहना चाहिए। और इनको भी आपका कमेंट बॉक्स में एज ए ब्रदर एज ए फ्रेंड दोस्तों आप जो इसको जो यहाँ पर इनको जो दोस्तों थैंक्स बोलिए। और दोस्तों आपको जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी प्रकार रिव्यू लेकर आएंगे 17 जुलाई को भी। तो जय हिंद।